असंख्येय प्रसिद्धि वाला, व्यापन करने वाला, जिसका ज्ञान है, उसको यहां सहस्त्रनाम सूत्र शब्द कहते हैं। माने इसके बावजूद, सब कुछ जानने वाले भगवान होने के बावजूद, वो अपने भक्तों के दोषों पर बिल्कुल दृष्टि नहीं चलाता। यही सारा है। दोषो यज्ञ भी तस्यस्यात्, माने विभीषण के प्रति जो बाकी लोग दोषारोपण करके बताते हैं इसको नहीं लेना है, वो तो शत्रु पक्ष से आया हुआ है, साक्षात हमारे बड़े शत्रु रावण का छोटा भाई है, ऐसे वैसे वचनों को कहकर सुग्रीवादी भी जब निषेध करते हैं तब उनकी बातों को ठुकरा कर भगवान का जो वचन है वाल्मीकि का, बहुत प्रशस्त वचन है, प्रसिद्ध वचन भी है, दोषो यद्यपि तस्यस्यात्, माने हमारी दृष्टि से उसको कोई दोष नहीं है, तुम्हारी दृष्टि से अगर तुम दोष करते हो तभी उस दोष को मैं दोष के रूप में नहीं मानता हूं, ऐसा भगवान श्री रामकृष्ण प्रभु का वचन है, उत्तरण के रूप में दिया हुआ है, प्रसिद्ध वचन है। और गीता का भी ऐसा ही वचन लिया हुआ है, अभिजीत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव, अनन्यता की भावना में स्थिर होकर जो मेरे प्रति ही भक्ति चलाता हुआ जो भक्त विराजता है, वो बाकी लौकिक दृष्टि से दुराचारी भी अगर वो कहा जाता है तो भी मैं उसकी गणना नहीं करता हूं, कान्हा का वचन। विधाता आगे के शब्द है, एवं पाप फल नियत नियामक यम यातनादयो भगवत क्षमायाम से कृतापराधम बाधेरन तेषा भी दधनीय द्वारिप्रेत्य आह विधाता। ये जो उनको लिए उनके लिए जो यम आदि जो माने यम धर्मराज दंड देने का अधिकार पूरा जिसको दिया है भगवान ने, वो अगर इन अपराधियों को देखकर दंड देने के लिए आगे आ जाते हैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए, तब भगवान क्या करेंगे, ऐसा भी कोई संदेह किसी एक के जिनमें उठ सकता है, उठता है, इसके लिए समाधान देने वाला पद है विधाता। हे बाबा, ये तो विधाता है, सभी विधियों का आधार हो तो भगवान जो है वो सभी को नियंत्रण करने वाला, सभी यम वगैरह जो है सभी विषात्मा द्वादश पवते प्रसिद्ध उपनिषद का वाक्य है, विषात्मा अग्निचेन्द्र सूर्य है, ऐसे सभी देवता इनकी आज्ञा को मानकर ही जमने वाले हैं, भय खाते हैं, अगर अच्छी भर हम फिसल जाते हैं तो भगवान का दंड हमें मिलेगा, ऐसा वो समझते हैं, इसलिए ऐसे अपने नियंत्रण में सभी देवताओं को ब्रह्मा जी देवताओं को लिखने वाला जो भगवान है उसके प्रति ऐसा संदेह हमें नहीं करना चाहिए, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, भक्तों के प्रति ऐसी स्वतंत्रता ही दिखाता हुआ भगवान विराजता है। यदि यह दोषा वह किम तरह हेयाद वर्गाद उपाधेय से व्यावस्थक तत्र है संरक्षण की जैन लक्षण उपाधेयाना अच्छा, ऐसी एक कहानी कही जाती है पुराणों में और आजवार लोगों ने भी ऐसा ही कहा, यम यम धर्मराज अपने किंकरों को ये उपदेश देता है, सावधान रहो सभी प्राणों को, सभी प्राणियों के प्राणों को ऐसे ही हर कर हरण करके इधर मत आ जाओ, उसमें कोई
भेदभाव होना चाहिए। अगर कोई वैष्णव है, विष्णु भक्त है, उसको छूना नहीं, छोड़ दे। उसको लेने वाला कोई दूसरा होता है, आदिवासी जिसको जिसका नाम है, अमानव जिसको कहते हैं, अखिलादी मार्ग में ले चलने वाला कोई दूसरा भूत आएगा, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा ड्यूटी वहां नहीं होता है, ऐसा भगवान ऐसा यम अपने किंकरों को आदेश देता है। ऐसे वचन पुराणों में दिखाई पड़ता है, आजवार लोगों का वचन भी ऐसा ही है। माने भगवान की महत्ता को बड़प्पन को दिखाने वाला ये प्रमाण है। तब कैसे वो डिस्टिंक्शन करते हैं ना, कैसे भेदभाव समझेगा, माने उनके लिए चिन्ह है ये, हमारे वैष्णव धर्म को लेकर के हमें उपदेश देने के लिए ये पद यहाँ प्रयुक्त होता है। कृष्ण लक्षण हा, माने वहां जाने से लक्षण के लिए उसके में मालूम हो जाएगा कौन वैष्णव है कौन नहीं वैष्णव। मैंने तिलक लगाया हुआ, उत्सव मुद्र लगाया हुआ, तुलसी माला वगैरह अक्षमाला से अलंकृत जिसका कंठ है, वैसे वैसे लक्षण है शास्त्र में, पंच पांचरात्र आगम वगैरह शास्त्रों में भगवान के द्वारा ही कहे हुए लक्षण है। उन लक्षणों से युक्त जो है उनको वैष्णव समझो, उनके पास मत सरको, दूर हो जाओ। श्री कृत लक्षण, उनके लिए लक्षण दिया हुआ है भगवान के द्वारा ही, कुंड धारण करना वगैरह, पांचरात्र आगम तो साक्षात भगवान का उपदेश है, इसलिए भगवत शास्त्र कहलाता है। ऐसे प्रमाणों से हमें मालूम पड़ता है कृत लक्षण, उनके लिए लक्षण बता के सावधान करने वाला कृत लक्षण, यानी बाकी लोगों को सावधान करने वाला, यम वगैरह देवताओं को सावधान करने वाला। चक्रांकिता प्रवेश यावद आगमन मम, नामुचिता प्रवेश यावद आगमन मम दिया हुआ है। विष्णु धर्म में भी भवताम भ्रमता मतलब विष्णु संश्रय मुद्रया बिना ज्ञा भंग नहीं हुआ भविष्य से अलग कठिन, जो चक्रांकन किया हुआ है उसका जो चिन्ह होगा वहां भुजाओं में उसको भी देख लो, वो भी एक लक्षण है। चक्राधिधारणम पुंसा पर संबंध वेदनम पतिव्रता निमित्तम ही बलयादि विभूषण, पतिव्रता लोगों के लिए जो भूषणों से आभूषित करने की योग्यता रखने वाली औरतें हैं, माने पति जब जिंदा रखता है, जब तक जिंदा है तब तक उनका रक्षण रहता है, उसके बाद फूल नहीं लगाती और फूलों से अलंकृत नहीं करती, सजाती नहीं है, आभरणों से अलंकृत नहीं करती अपने को, ऐसी गति हो जाती है ना, वैसे जब तक भगवान की भक्ति रहती है, भगवान के भक्त होते हैं, तब तक उनके लिए लक्षण परम विलक्षण लक्षण होते हैं, इसलिए उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ऐसा अवबोधन करने वाला जो है भगवत शास्त्र का उद्धरण को भी दिया है यहाँ भाषण। इत्येवं वही वैष्णव लक्षणम, अन्यथा हेय लक्षण अथवा न वैषम्य नैर्घृण्यादि दोष प्रसक्ति, इसलिए भगवान ये विषमता दिखाता है, पार्शियलिटी जिसको कहते हैं, वैसे पक्षपात दिखाता है, या किसी के प्रति कृपा जलाता है, किसी के प्रति कृपा नहीं जलाता है, ऐसा भेदभाव दिखाता है, ऐसा दोष भगवान को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उसी का वचन है, भगवान का ही वचन है। इस पर ध्यान देने से हमें हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है, शंका दूर हो जाती है। उसके आगे चलते हैं, दभस्ति देव ही तत्वस्थ किन्नो भूतमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवगुरु। ये बावन वा श्लोक है और दिव्य नाम हम जो लेने वाले हैं वो
چار سو ستاسی وہاں جو دیویہ نام ہے اس کو ہم لے کر وورن دیکھنے والے ہیں. گبھچ نیم ہی ایم کرکلکشنا یم تتکراں اپدرشیا یت تدرکوئم گبھچ نیم ہی. گبھچ نیم مانے اپنے ہاتھ پہ کوٹی سوریہ پرکاش جو چکرایو سے رکھتا ہے ہیتی راج ایوبوں کا راجا چکر تاڑوار کہتے ہیں ہم تمل میں. آڑوار کی گوٹ میں اس کو ملا کر اتنی بھکتی مان اتنا بھکتی مان بھگوان کے پر اس کے سوروپ میں ہی انترگت ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا کل کے پروچن میں سوروپ و نروپ کے دھرموں میں اس کا انتر بھاو ہے. ایسے گبھچ نیم ہی پاتور سہسرار چکر اس کے ساتھ سدا براجمان مانے کوئی بھی وہ غلطی نہیں کرے. غلطی کرے تو چکر کا پریوگ کر کے اس کا وناش کر دے گا. ایسا بھائی کھاتے ہیں باقی سب دیوتا اور وشش یم اس کے لیے یا ان کو بھائی دینے والا جو ہے آیوت راج ہیتی راج کہانے والا جو سدرشن چکر ہے اس کے اس کو اپنے ہاتھ میں سدا دھارن کرنے والا ستو سہا کرمو نمت ابھاوچیا ستوستھ ان کے دل میں سدا رہنے والا ستو یہاں ہردے ہردے میں سدا بچنے والا بھگوان ہے. ستوستھ ستو تیشتی ستوستھ وہ ہرد میں رہ کر ایسا کرتا ہی رہتا ہے. مانے ان کو شنکا نہیں ہونی چاہیے باقی دیوتاؤں کو اور یم کو شنکا نہیں ہونی چاہیے. اس لیے سدا پریرنا دیتا ہوا بھگوان براجتا ہے. ایسا مت کرو ایسا مت کرو. مانے راستہ پھر کر اگر جانے لگ جاتا ہے کوئی مارگ درشن کرنے والا کیا کہتا ہے اے یہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے اس راستے کا اس راستے سے اگر تم جاؤ تو ایسے گھنٹے میں گر جاؤ گے اور تمہاری گاڑی گڈھے میں گر جائے گی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اپدا ہو جائے گا. کوئی ساودھان کرتا ہے نا ویسے اندر ہی رہ کر بھگوان کا اپدیش چلتا رہتا ہے. اس کو بتانے والا سب سے سب یدم ابھیدنتو یما دیہ تان پراکتوتی دھرشیہ تان گنستی سمہ. کچھ سندربھوں میں اپنے اہنکار وش ایسے ہی یم آدی دیوتا اگر بھکتوں کے پتی بھی کچھ اپرادھ کرنے لگ جاتے ہیں ان کے لیے شیر بن کے ان کا دنڈ دینے والا جو ہے اس کو بتانے والا شبد ہے کہ ہاں ہاں چپتا نہیں ہے وہ ہمارے آگیا کر ہی ہیں. اس لیے ٹھیک ہے ایک بار ایسا کر دیا اس لیے معافی نہیں کر دیتا معاف نہیں کرتا معافی نہیں دیتا اپرادھ کی بڑے اپرادھ کے روپ میں اس کو مان کر اس اپرادھ کی کھما نہیں کرتا ہے. کہ مجھے اسے جھپٹ کر چھوٹے اپنے آہار کو جانوروں کو لے کے کھا جاتا ہے اسے ان کو دنڈ دیتا ہی ہے. اس میں جیسا جو ہوتا ہے ان کے لیے خیال واسدیو پرم دھوا ویشنو دگھ کلپشم دیوا وپیتا رمیانتی پرنیپتی یتاگتم. وسدیو کے بھکتوں کو دیکھ کر نشپات ہے وہ ایسا سمجھ کر کافی لوگوں کو یہ پکڑنا ہمارا کرتویہ ہے. یہ نشپات ہے یہ دیوتا لوگ وپیتا بہت بھیت ہو کر رمیانتی پرنیپتی یتاگتم نمسکار کر کے پرنام مہاراج کہتے ہیں کہ نہیں پرنتو انجلی کر کے ہاتھ جوڑ کے چلے جاتے ہیں. ترکتہ یموں بھی وی بھکتم ویشنو دگھ کلپٹم اتھایا پرانجلی بھوتوا ننام. ایسے بہت سارے ادارنوں کو دکھایا ہے
उदाहरणों को दिखाया। वस्तु धर्म में ऐसे भी एक रसीला श्लोक यहां दिखाया है, नरक है पच्यमानसु यमेन परिभाषिता, उस यम के भी कोई बड़ा पापी उसको बहुत दंड देना पड़ता है, बहुत कड़े कड़े दंड वो अनुभव करता है, तो देखकर उसका भी हृदय कुछ फिर पिघल जाता है, तब उसके प्रति उस अपराधी के प्रति पूछता है, अपराधी को माने संबोधन करके पूछता है, उससे पूछता है, नरक है पच्यमानसु यमेन परिभाषिता चिंतो या ना अच्छी देव है, अरे बाबा इतने अपराधों को करके तुम यहाँ आकर के जो दंड भुगतते हो उसको देखकर मेरा भी हृदय पिघल जाता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों ऐसा किया, ऐसा का स्मरण तुमने तुमने नहीं किया बिल्कुल, ऐसा वो कहता है, ऐसा भी बहुत रसीला एक श्लोक यहाँ लिया हुआ। नरके पच्य मानस तो यमेन परिभाषिता चिंतो या ना अच्छी दो देव केशव क्लेशनाशन जिन्मा के बाद शब्द होता है भूतमहेश्वर ऐसे विभिन्न प्रकार से दंड दे दिलवाकर और भलाइयां दिला के जो भगवान विराजता है, क्यों ऐसा विराजता है, मैंने सभी भूतों के लिए वो हितकर ही होता है, मैंने हित देने के लिए कोई अपराध करने वाले बच्चे को जैसे पिताजी दंड देते हैं वैसा दंड देना ही चाहिए उसको, परंतु सभी भूतों के वही महेश्वर होता है, इसलिए वही कारण होता है। भूत महेश्वर भूतेश्वर कहने से बाकी देवताओं को हम कह सकते हैं, भूत महेश्वर कहने से भूतेश्वर के रूप में जो रहते हैं ब्रह्मादि देवता यम आदि देवता सबके ऊपर रहने वाला उनका भी नियंत्रण करने वाला जो है उसको भूत महेश्वर महाशब्द महाशब्द जो है उसका उपयोग करके यहाँ दिखाया गया है। ध्यान देने की बात है आदिदेव यशांत कारण तन अभिभव पटु प्रभाव आदिदेव आदि ही द्योतमान देवता है। एक बार अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके उनको अब क्षमा कर दें ऐसी भावना नहीं रखकर क्यों ऐसा चलता है भगवान आदिदेव माने सबसे बड़ा जो है वो सदा ऐसे भाव से ही ये दीप्यमान रहता है ज्योति रूपी जो भगवान है उस ज्योति रूपी भगवान में कोई भी कल्पश नहीं आना चाहिए निष्कलंक निष्कल्पश होना चाहिए। अगर एक बार ऐसे वैष्णवों को दंड जाने वाले यम को भी अगर एक बार वो अपने दाक्षिण्य के कारण करुणा के कारण ऐसे माफ कर देता है क्षमा कर देता है वो भी एक छोटा सा कल्पश है एक कलंक लग जाएगा धब्बा लग जाएगा वैसा नहीं होकर सबसे बड़ा आज ही जो है वो देदीप्यमान सदा ज्योति स्वरूपी वहां कोई अंधकार नहीं होता एकदम प्रकाश पुंज भगवान माने एक निष्कल्पता जो है उसको बताने वाला शब्द है। महादेव दैहि क्रीडनक कर्तुकादि विद्वत् क्रीडति इति महादेव वहां पहले देव शब्द का अर्थ हुआ दिव प्रकाश रूपी जो अर्थ है दिव जो धातु है उसके लिए कई सारे अर्थ होते हैं पिछले आदिदेव में वो ज्योति जो है ज्योतमान सदा प्रकाशमान निरवधिक प्रकाश युक्त उस अर्थ में हमने लिया था देखा था। अब इसमें जो देव आता है ये लीला को बताने वाला
माने क्रीड़ा करने वाला जो है, खेलने वाला महादेव है, सबसे बड़ा महान ये लीला विभूति की सृष्टि करके उसमें ऐसी ही लीलाओं को सदा दिखाने वाला जो भगवान है, उसकी लीला में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो जो करता है वो सदा अच्छा ही करता है, जीवों की भलाई के लिए ही करता है। ऐसा महादेव जो विराजदाय भगवान शिव नारायण, उसको बताने वाला शब्द है महादेव। जैसा स्वामी के देवेश उत्तरण लिया, देवेशो देवभृग तेषा यथार्थ विनियोगक्षम तान विभक्ति देव। ऐसी लीला को रचने वाला जो भगवान है, वो देवताओं को भी सदा भरण करने वाला, उनको भी छोड़ता नहीं, खड़क नहीं आने देता अपने को, कोई लांछन नहीं होना चाहिए। ऐसी एकमात्र न्यायमूर्ति के रूप में विराजता है, उसको दिखाया। परंतु इसका माना यह नहीं एकदम ठुकरा देता है देवों को, क्योंकि देव जो होते हैं, ब्रह्मा जी देवता जो लोग होते हैं, वो इनके आज्ञाकारी हैं, आज्ञाकारी अपने नौकरों में, चाकरों में। जो यजमान होता है, मालिक होता है, उसको तो कृपा करनी ही चाहिए, और यहाँ कृपा करनी है वहां करनी है, यहाँ क्षमा करनी है वहां करनी है, क्षमा नहीं करने के संदर्भों में क्षमा नहीं करता, ऐसा हमने पिछले जीवनामों में देखा। परंतु उनको भी, उनके ऊपर भी, देवता लोगों के ऊपर भी कृपा करके उनको अपने में सदा समाहित रहने वाला, रखने वाला जो भगवान है, उसको कहने वाला शब्द है या देवभृत, देवों का भरण करने वाला, छोड़ता नहीं है, ठुकराने वाला नहीं। गुरु, गुरु माने जैसे गुरु जी होते हैं, यहां लक्ष्मीनाथ के रूप में इस गुरु शब्द को देखते हैं। लक्ष्मीनाथ परंपरा में ऐसा कहते हैं, हमारी आचार्य परंपरा का पहला गुरु वही होता है, सबसे श्रेष्ठ गुरु वही होता है। माने गुरु क्या करता है, उपदेश देके असत्कार्यों से निवृत्त करता है, विमुक्त करता है, सत्कार्यों में प्रवृत्त करता है ना, वही गुरु जी का पहला कर्तव्य है। वो निभाने वाला जो आदि गुरु जो होता है भगवान, उसको यहाँ गुरु शब्द कहता, आद्याचार्य जो होता है उसको कहा है। जैसा वेद ही स्वस्व अधिकार बोधना आदो बोलना, वेदादि शास्त्रों का प्रदान करके उन देवताओं को भी ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अगर विहित निषिद्ध कार्यों में विवेक पैदा करने वाला उनके दिल में जो भगवान होता है, उसका वाचक शब्द है गुरु। जो वही वेदांत प्रवीणोजित में स्पष्ट वचन है उपनिषद में, हरि गुरु वशगोस्मी प्राण का वचन है, हरि रूपी गुरु के नियंत्रण में मैं हूं, ऐसा वचन। फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे आत्मबंधुओं, अब तक हमने देखा 4095 जीवन नामों का अनुभव किया कुल मिला के, अब उसके आगे 96वां जो जीवन नाम है उसमें प्रवेश करके अनुभव करने वाले हैं। उसके लिए आगे का श्लोक जो है उस पर भी ध्यान देना है। माने 53वां जो श्लोक है उसमें प्रवेश करते हैं। उत्तरो गोपति गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातन शरीर भूत फल
दिव्य नाम है उत्तर आहार। एवं ब्रह्मा देहे असुरापद उच्चारणादि उत्तरः। ब्रह्मा जी देवताओं को भी भरण करता है स्वयं, उनकी विपदा को विपदाओं को भी दूर करता है, तो ठुकराता नहीं है उनको, उनका उच्चारण करता है, विपदाओं से उच्चारण करता है, मैंने उद्धारण उच्चारण जो करता है। दुख सागर में भी अगर वो पड़ जाते हैं, बहुत बड़े दुख में पड़ जाते हैं, तो बेड़ा पार करा देता है उनका भी। उत्तरहा उत्तारयति उत्तरहा शब्द है। गोपति ही ऐसा ही उसकी स्तुति की गई है सभी जगहों में। ये जो उच्चारण रूपी जो काम है बहुत बड़ा कृत्य है उसका, सत्कृत्य सत्कर्म जो है अपने आश्रित लोगों को, देवता लोग भी उनके ही आश्रित हैं, अभी वे भी चूकते हैं वो दूसरी बात है, परंतु उनके आज्ञाकारी इन सब बातों की स्तुति जो है सभी वेद पुराण इतिहास वगैरह ग्रंथों में हम पाते हैं, संख्येय वचनों से पाते हैं। इसलिए गोपति ही, गो माने यहां गाय अर्थ नहीं है, गो शब्द का अर्थ है वचन, उच्च कोटि का जो वचन है, परम श्रेष्ठ वचन जो है, महात्मा लोगों का वचन, देवताओं का वचन, ऋषि मुनियों का वचन, सबको यहां गो शब्द बताता है। गोपति उनके वचनों का लक्ष्यभूत, उनका नायक जो विराजता है, जिस नायक के चारों ओर ही ये सब गाय माने वचन, श्रेष्ठ वचन प्रसरित हैं, प्रचारित हैं, उन वचनों के द्वारा स्तुत्य जो होता है, उस स्तुति का जो लक्ष्य होता है भगवान, वो गोपति शब्द का अर्थ है। गोप्ता ऐसे जो स्तुति पद्य हैं, मंत्र हैं, मंत्र प्राय जी मंत्र में हम कह चुके हैं, वैसे बहुत श्रेष्ठ जो वचन है, मंत्र रूपी वचन है, बहुत बड़े वाचक हैं, श्लोक हैं, पद्य हैं, स्तुति पद्य हैं, उन सबको, उन सबकी रक्षा करने वाला माने स्वयं स्वीकृत किए, अरे ठीक है इसकी स्तुति को सुनने से मुझे क्या बनता है, मैं तो सर्वाधि देवता हूं ऐसा कुछ सोचता है, वैसे वचनों को स्वयं बहुत प्यार से प्रेम से स्वीकार करके उसको गोप्य रूप में रखता है। जैसे हम किसी एक गुरु के चरणारविंदों के परिसर पर बैठकर रहस्य त्रेगा उपदेश पाते हैं, गोप्य रूप में रखने का उपदेश दिया गया है, मंत्र में इतने गोपेद मैं कह चुका हूं, वैसे गोप्य रूप से उसको ज्यादा रक्षा करना हमारा धर्म है ना, वैसे ही भगवान भी इन स्तुति पद्यों का रक्षण स्वयं करके अपने हृदय में सदा रखता है, इसका फल क्या होगा, उनको छोड़ेगा नहीं, यही बात करेगा। ज्ञानगम्य पर विद्यावेद्य समाधिगम्य ज्ञानगम्य, ये परविद्या भी ब्रह्म विद्या जो कहा गया है, वेदांत विद्या को ही परविद्या कहते हैं, औपनिषदिक विद्या जो है ब्रह्म विद्या का दूसरा नाम है, ब्रह्म विद्या के द्वारा हम उसका ज्ञान पाते हैं। ज्ञान गम्य ज्ञानेन गम्य ज्ञान गम्य कृष्ण ज्ञान जो बोलते हैं, ब्रह्म विद्या जिसका नाम है, वेदांत ज्ञान जिसका नाम है, औपनिषद ज्ञान इसका नाम है, उससे और ध्यान जो लगाते हैं भक्त लोग, समाधि में संलग्न जो हो जाते हैं भगवान के प्रति,
समाधि के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा, वेदांत ज्ञान के द्वारा भगवान को हम खूब समझ सकते हैं। स्वरूप रूप गुण विभव ईश्वर या आदि सभी गुणों का अवबोधन हमें हो जाता है। श्री ज्ञान गम्य वरवागि मुखम ध्याएं अथवा वागीश्वर प्रभुम जी, इसके लिए वो वेदांत ज्ञान को दिलाने के लिए तो अवतार भी लिया है। अयम का अवतार एक उदाहरण के लिए भाष में दिया हुआ है, अग्रीव कहते हैं ज्ञान आनंद में देव निर्मल महाकार विज्ञान है अग्रीव उपवास में वेदांत देवी स्वामी जी का जो है अग्रीव स्त्रोत्र है पहला श्लोक है, ऐसा ही शुरू होता है ज्ञान आनंद में देव। ज्ञान स्वरूप भी वो होता है, तो ज्ञान के द्वारा ही उसको उसकी अवबुद्धि यानी उसके द्वारा उसको जानने का जो कर्म है वही होता है, वही प्रयत्न सबसे बड़ा प्रयत्न है वेदांत ज्ञान। पुरातन नेदम विद्या प्रबोधनम अद्यैव किंतु प्रतिकल्पम इति पुरातन, माने ऐसा जो अवबोधन करता है वेदादि जो अपौरुषेय है कहा जाता है वेदादि कल्पकल्पों में उसी की आवृत्ति हो जाती है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। बड़े लोग ऐसा ही कहते हैं, पुराण ऐसा ही कहते हैं, पुराण ऐसे ही कहते हैं और बाकी शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा गया है, पूर्वाचार्यों का सम्मति इसी में है। ये कल्प कल्पांतरों में ऐसा ही इसकी आवृत्ति होती जाती है, इसलिए पुरातन भगवान इस कल्प में ही भगवान की ये प्रवृत्तियां हुई, ये सब गुण कहे गए पहले उन गुणों का प्रकाशन केवल इस कल्प में हुआ और कल्प के भेद जो है चतुर्युग उन्हीं में हुआ, आगे चलकर ऐसा नहीं होगा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पुरातन बहुत प्राचीन सनातन शब्द पुरातन शब्द दोनों का अर्थ एक ही है, सनातन धर्मस्वरूप जी भगवान को क्या कहते हैं सनातन धर्म, हम पिछले कुछ संदर्भों में देख चुके हैं कृष्णम धर्मम सनातनम, तो ये सनातन धर्म के रूप में विराजमान पुरातन धर्म के रूप में विराजमान सबसे पुरातन हस्ती के रूप में वस्तु पर वस्तु के रूप में विराजमान विराजमान जो है भगवान श्रीमद नारायण ही होता है, इसको स्थिर करके दिखाने वाला बहुत अच्छा शब्द सुंदर शब्द है पुरातन। तो मेरे आत्मबंधुओं पुरातन शब्द तक पहुंचकर हमने अब तक कुल मिला के 500 दिव्य नामों का अनुभव कर दिया, आगे फिर यथावकाश आज भी हो सके तो शाम को हम करेंगे ऐसा कहकर अब इस छोटे से प्रवचन से विरक्त हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आपनीयाः। गोविंद 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 गोविंद।